जय हिंद दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है पैरा एशियन गेम्स अब बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के बारे में जो कि पैरा एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और देखेंगे पूरा जो स्कॉट है बैडमिंटन खिलाड़ियों का उस स्कॉट को और जानेंगे किन बैडमिंटन खिलाड़ियों पर हमको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं पदक लाने की तो अगर पहले हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस अगर इवेंट वाइज हम लोग देखें तो सिंगल्स एस एल थ्री इवेंट में हमको नजर आएंगे प्रमोद भगत मनोज सरकार और कुमार नितेश ये सभी बहुत ही अच्छे पैरा खिलाड़ी हैं यहाँ पर बैडमिंटन के इसके बाद भारत के सुकांत कदम सुहास ललिनकरे यथिराज और तरुण ढिल्लो हमको नज़र आएंगे सिंगल्स एस एल फोर इवेंट में और ये भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं जहां पर सुहास ललिनकरे यथिराज तो पिछले जो ओलंपिक्स थे पैरालंपिक्स उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और पदक भी जीत चुके हैं इसके बाद अगर हम लोग सिंगल्स एस एच सिक्स इवेंट की बात करें तो यहाँ पर हमको नज़र आएंगे कृष्णा नागर और शिवराजन सोलन मलई इसके बाद हमको सिंगल्स एस यू फाइव इवेंट में तीन खिलाड़ी नज़र आएंगे भारत के चिराग बरेठा रुथिक रघुपति और हार्दिक मक्कर इसके बाद अगर हम लोग देखें डबल्स में डब्ल्यू एच वन और डब्ल्यू एच टू इन दोनों इवेंट्स में भारत के जो डबल्स खिलाड़ी हमको नजर आएंगे वे हैं प्रेम कुमार अले और अबू हुबैदा इसके बाद अगर हम लोग देखें डबल्स में ही एस एच सिक्स इवेंट में कृष्णा नागर और शिवराजन सोलनमलाई की जोड़ी हमको नज़र आएगी और साथ ही नज़र आएगी आकाश माधवन और गोकुल दास की जोड़ी इसके बाद अगर हम लोग डबल्स एस एल थ्री एस एल फोर इवेंट में देखें तो भारत की दो जोड़ियां हमको नजर आएंगी जहां पर नितेश कुमार और तरुण ढिल्लो की जोड़ी हमको नजर आएगी और साथ ही नज़र आएगी प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी इसके बाद अगर हम लोग बात करें वुमेन्स खिलाड़ियों की तो वुमेन्स में सिंगल्स एस एल थ्री इवेंट में हमको नज़र आएंगी मानसी जोशी पारुल परमार और मनदीप कौर इसके बाद सिंगल्स एस एल फोर इवेंट में हमको नज़र आएंगी पलक कोहली जो बहुत ही अच्छी पैरा खिलाड़ी है बैडमिंटन की इसके बाद ज्योति वर्मा और वैष्णवी पुनैनी हमको नजर आएंगी सिंगल्स एस एल फोर इवेंट में इसके बाद सिंगल्स एस यू फाइव में हमको नजर आएंगी मनीषा रामादास तुलसमती मुगेसन और साध्या विश्वनाथन सिंगल्स एस फाइव में हमको नजर आएंगे इसके बाद डबल्स की बात करें वोमेंस की तो डबल्स कैटेगरी में हमको नजर आएंगी नित्यश्री सिवन और रचना पटेल इसके बाद अगर हम लोग डबल्स एच एल थ्री एस यू फाइव की बात करें तो भारत की मानसी जोशी और तुलसीमती मुर्गेशन हमको नजर आएंगी इसके बाद मनदीप कौर और मनीषा रामदास की जोड़ी भी हमको इस कैटेगरी में नजर आएगी इसके बाद डबल्स एस एल थ्री एस यू फाइव में मिक्स डबल्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रमोद भगत और मनीषा रामदास की जोड़ी हमको नजर आएगी और साथ ही चिराग बरेठा और मनदीप कौर की जोड़ी भी हमको पैरा एशियन गेम्स में नज़र आएगी इसी कैटेगरी में तो यही थे वो बैडमिंटन खिलाड़ी जो पैरा एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने इस वीडियो में जाना पूरा जो स्कोर है बैडमिंटन खिलाड़ियों का उनके बारे में और देखा है किन इवेंट्स में कौन से खिलाड़ी हमको नजर आएंगे तो पैरा एशियन गेम्स बहुत ही जल्दी अब शुरू होने वाले हैं हम उम्मीद करते हैं भारत के सभी बैडमिंटन खिलाड़ी और बाकी सारे एथलीट्स अच्छा प्रदर्शन करें और भारत को सौ से ज्यादा पदक यहाँ पर दिलाए पैरा एशियन गेम्स में भी तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद